नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं प्रगर, आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव सिटीज डॉट इन। आज है मदर्स डे और आज हम बात करने जा रहे हैं माँ के बारे में। वैसे तो कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम माँ के बारे में बात ना करें, और ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब माँ हमारे लिए कुछ ना करें। जी हाँ, जब हम बीमार होते हैं माँ हमारी सेवा करती है, जब हमारा एग्जाम्स होता है तो माँ हमारे लिए पूरी रात जगती है, जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो माँ हमेशा अपने काम में कभी भी हमें पीछे नहीं छोड़ती। और इसीलिए आज हम मदर्स डे पे कुछ बच्चों से बात करेंगे, कुछ ऐसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके लिए माँ का क्या मायने रखता है, उनके दिल में माँ के लिए क्या भावनाएं हैं, वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। अभी हम खड़े हैं हज भवन के पास और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो अपनी माँ के लिए कुछ बोलना चाहते हैं और वो अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या क्या बताना चाहते हैं मदर्स डे को लेकर के, वो कितना कुछ जानते हैं मदर्स डे को लेकर। मम्मी लाखों में एक है। मेरी मम्मी लाखों में एक है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, मैं बच्चों से पूरी घिरी हुई हूँ और ये लोग इतने खुश हैं अपनी माँ के बारे में बताने के लिए, शायद ही कोई और इतना खुश होता होगा। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे बाबू, तुम्हारा नाम? नीलू कुमार। नीलू से हम जानेंगे कि वो अपनी माँ के लिए क्या बोलना चाहती है। नीलू बताओ। मम्मी बहुत अच्छी है, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरी मम्मी सेवा अच्छी तरीके से करती है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि नीलू ने बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है मम्मी के लिए, जिसमें उसने बताया कि उसकी मम्मी काफ़ी अच्छी है और वो अपनी जब भी वो बीमार होती है तो वो सेवा करती है। यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, नीलू ने काफ़ी अच्छा बोला। यहाँ पे कुछ और बच्चे, इसके बाद कौन बताने वाला है? ये बाबू, तुम्हारा नाम? सीमा। आ जाओ। सीमा बताना चाहती है, बताओ सीमा मम्मी के बारे में। मुझे कहीं भी चोट लगती है तो मेरा मम्मी बहुत हैरान हो जाती है, तो मेरा मम्मी गर्म पानी करके मेरा गोर हो सकती है। बुखार लगती है तो मेरी मम्मी दिन भर रात करके मेहनत से रोटी या पानी कमा कर डॉक्टर भी आ जाती है और डॉक्टर भी आ रोटी लेकर मुझे खिलाती है। सीमा ने जैसे बताया कि इसकी मम्मी इसके लिए काफ़ी कुछ करती है, जब भी बीमार होती है तो रात रात भर जगती है, जब भी बीमार होती है तो गर्म पानी करके इसकी सेवा करती है। और बताओ, और कौन अपनी मम्मी के बारे में बताएगा? बताओ बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? सलोनी। सलोनी हमें बताएगी। बाबू, मम्मी के बारे में क्या पोएम बोलोगी या फिर माँ के बारे में क्या बताओगी? मेरी माँ मेरे खातिर, मेरी तबीयत खराब होता है तो मेरी माँ जान से खेल के मेरे चलते दिन रात कभी सोती नहीं है, मेरे कपड़ा मेरे सर पे रखी रहती है। जैसे कि इसने बताया कि मम्मी जब भी बीमार होती है कपड़े रखती है सर पे। अच्छा, सबके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर मम्मी के बारे में, मतलब मदर्स डे के बारे में कौन कितना जानता है? मतलब अगर बोला जाए कि मदर्स डे क्या है तो कोई जानता है? कौन जानता है बताओ? क्योंकि जब माँ हमको प्यार करती है, प्यार को निभाना चाहिए, मम्मी को खुश करना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। बिल्कुल सही, जैसा कि इसने बताया कि मदर्स डे इसलिए होता है क्योंकि माँ जितना हमें प्यार करती है उतना हम उन्हें भी वापस कर सके। वैसे तो अगर देखा जाए तो मम्मी के लिए ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम उनसे प्यार ना करें, लेकिन हर चीज के लिए एक दिन बनाया गया है। तो जब एक दिन बनाया गया है, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, सबका एक दिन होता है, वैसे एक माँ के लिए एक दिन बनाया गया और इस दिन हम जितना चाह सकते हैं अपनी माँ को प्यार करें। और कौन बताएगा मम्मी के बारे में? तुम? ठीक है, दो लोगों ने हाथ उठाया है, सबसे पहले तुम बताओ। हेलो,
हम जब हम तबियत जब खराब होता है ना तो हमको बॉडी हैरान हो जाता है, कपड़ा पर माथा रखता है, एसी रखता है, कपड़ा रखता है माथा पर, बॉडी रोता है। और तुम बताओ आपको? हमको जब तबीयत खराब होती है तो मेरी मम्मी दवाई लाती है और खिलाती है और मेरे हमको सेवा करती है मेरी मम्मी, और रात दिन रोती रहती। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबने एक कॉमन सी चीज बोली है, जब भी तबीयत खराब होता है तो माँ सेवा करती है। सुबह सुबह उठ के किसकी मम्मी सबसे पहले सुबह सुबह उठ के बच्चों मतलब तुम लोग स्कूल जाओगे या फिर कुछ भी कर सुबह सुबह उठ के तैयार करती है, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जो कि वो अपनी मम्मी के ऊपर कविता बोलना चाहेगा, कौन बोलोगे? आगे आ जाओ। डब्बा डब्बा में केक, मेरी मम्मी लाखों में एक। काफी अच्छी शायरी थी जिसमें इसने लिखा है, आप देख सकते हैं जिसमें इसने साफ साफ लिखा है डब्बा डब्बे में केक और मेरी मम्मी लाखों में, जो कि काफी अच्छी एक शायरी, और इसने ये खुद से बनाया है अपनी मम्मी के लिए। एक और? हाँ, एक और बोलो। नल नल में पानी, मेरी मम्मी परियों की रानी। काफी अच्छा था ये, और मतलब ये कैसे खुद से बनाया, अभी तुरंत बनाया है? वाओ, मतलब सीरियसली तुरंत बनाया है इसने अपनी माँ के लिए। शायद मेरे को अगर बोला जाए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इसने तुरंत बना लिया। और कौन बोलना चाहेगा? तुम आ रही थी ना बाबू। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरे मेरे मम्मी लाखों में। पास याद तुम्हारी जब जब मुझको आती के साथ। आपने देखा सबने, सब बच्चों ने एक साथ बोला मेरी मम्मी सबसे प्यारी, मेरी मम्मी सबसे न्यारी। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन।